हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी वेबसाइट के सबडोमेन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन कौन से सबडोमेन बने हुए हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सबडोमेन फाइंड करने से क्या फायदा होगा, इसका वेबसाइट हैकिंग से क्या रिलेशन है। तो आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले, जिनको नहीं पता कि सबडोमेन क्या होता है, उनको मैं बता दूं। तो सबडोमेन एक वेबसाइट का स्मॉल पार्ट ही होता है, जिससे वेबसाइट किसी अपने सर्विसेज के लिए दूसरे को यूनिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल करती है। इसे चाइल्ड डोमेन भी कह सकते हैं, जैसे कि google.com एक मेन डोमेन नेम है। इसके कुछ सबडोमेन हैं जो कि अलग अलग सर्विसेज में यूज होते हैं, जैसे कि drive.google.com, play.google.com, map.google.com, ऐसे और भी गूगल के सबडोमेन हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबडोमेन और हैकिंग में क्या रिलेशन है, इससे कैसे कोई वेबसाइट हैक हो सकती है। तो ज्यादातर छोटी बड़ी कंपनीज अपनी मेन डोमेन पर ही ज्यादा ध्यान देती है, या उस सब डोमेन पर ज्यादा ध्यान देती है जो पब्लिक है और ज्यादा यूज में आ रहा है। पर कुछ सब डोमेन्स को कंपनीज रिवील नहीं करती, और कुछ सब डोमेन सिक्योरिटी या दूसरे किसी टेस्टिंग के लिए बने हुए होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर वो सब डोमेन्स उस वेबसाइट का ही हिस्सा है। तो अगर उसमें कोई कमजोरी है तो हैकर्स बड़ी आसानी से उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और उससे हैक भी कर सकते हैं, और ऐसी गलती कई बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो अगर वेबसाइट के सबडोमेन में कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो वेबसाइट के लिए खतरा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि सबडोमेन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, कि कौन सी वेबसाइट में क्या सबडोमेन है। तो इसके लिए कई टूल्स मौजूद हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबलिस्टर टूल के बारे में, कि इससे सबडोमेन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। सबलिस्टर एक पाइथन बेस्ड टूल है, जिसका यूज सबडोमेन को इन्यूमरेट करने के लिए किया जाता है। ये टूल पेनेट्रेशन टेस्टर्स और बग हंटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है सबडोमेन के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ये टूल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक साथ कई सर्च इंजिन्स का यूज करता है, जैसे कि याहू, गूगल, बिंग, आस्क, यंडेक्स आदि। इसके अलावा ये वायरस टोटल, नेटक्राफ्ट, रिवर्स DNS और DNS डंपस्टर जैसी सर्विसेज का भी यूज करता है। तो चलिए देखते हैं इसे काली लिनक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस टूल को डाउनलोड करना होगा। तो वेब ब्राउजर पर ये लिंक ओपन कर लीजिए। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको यहां से इसकी zip फाइल के द्वारा या git clone URL के द्वारा अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने इसका git clone URL कॉपी कर लिया। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, तो मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही क्लोन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ जाता हूँ। तो मैंने कमांड लगाया cd document, ये मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में आ गया। उसके बाद हम कमांड लगाएंगे git clone, और जो हमने URL कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद ये टूल आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर या डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाएगा। तो छोटा सा टूल है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैंने इस टूल को पहले ही क्लोन करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इसके फोल्डर के अंदर आ जाता हूं। तो मैंने टाइप किया cd सबलिस्टर। ये देखिए, आपको इसके अंदर ये फाइल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैंने कमांड लगाया .hash sublister.py-h। तो यहाँ पे इसकी हेल्प ओपन हो जाएगी। ये देखिए, -h हेल्प के लिए, -d डोमेन के लिए, -b ब्रूट फोर्स के लिए, -p पोर्ट स्कैन करने के लिए, -v वर्बस मोड के लिए, -t थ्रेड्स के लिए, -e engines के लिए कि कौन सा आपको सर्च इंजिन वहां पे यूज करना है, और -o आउटपुट के लिए। तो आप इन ऑप्शंस का यूज यहां पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं हम इसका यूज कैसे ले सकते हैं। मैंने टाइप किया .hash sublister.py-d, और यहाँ पे आप डोमेन का नाम डाल दीजिए जिस डोमेन के आप सब डोमेन स्कैन करना चाहते हैं। तो मैंने टाइप किया google.com, और मैं ये सारे आउटपुट एक फाइल में सेव कर लेता हूँ। तो मैंने कमांड लगाया -o, और वो आपको फाइल कहाँ सेव करनी है उसका पूरा पाथ और उसका नाम दे दीजिए। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव कर लेता हूँ sublister.txt नाम से। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टूल यहाँ पर काफी सारी रिसर्च इंजिन्स और कई तरह की सर्विसेज का यूज कर रहा है सबडोमेन को फाइंड करने के लिए। आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपको कौन से सर्च इंजिन्स का यहाँ पर यूज करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी लिस्ट आ चुकी है सबडोमेन्स की। तो जो भी गूगल की यहाँ पे सबडोमेन्स इसको मिले हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है।
तो ये सारे के सारे टेक्स्ट फाइल में सेव हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जो कि हमने सेट किया था। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, google.com के जितने भी सब डोमेन्स इन सर्च इंजन और वेबसाइट से मिले हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो कोई पेनेट्रेशन टेस्टर है या कोई बग बाउंटी हंटर है तो इन डोमेन्स के अंदर वो वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई हैकर होगा तो उन कमजोरी का गलत यूज ले सकता है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आप इसके द्वारा किस तरह से पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कमांड लगाया .hashsublister.py-d, इसके बाद डोमेन का नाम। अब जिस भी डोमेन के सब डोमेन को स्कैन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया पोर्ट चेक करने के लिए कि कौन से सब डोमेन में वो पोर्ट ओपन है या नहीं। इसके लिए -p और पोर्ट नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 डाल देता हूँ। वहाँ पर वो पोर्ट भी टेस्ट हो जाएगा कि उसमें वो पोर्ट ओपन है या नहीं है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पोर्ट नंबर स्कैन किया था वो पोर्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि वो पोर्ट ओपन है या नहीं है। आप इस तरह से यहाँ पर सब डोमेन फाइंड करने के लिए सबलिस्टर टूल का यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हैकर्स जो है वो किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं इसको स्कैन करके, और जितने भी उसको अगर वेबसाइट के सब डोमेन्स मिलते हैं उन सभी सब डोमेन्स को एक एक करके वो टेस्ट करता है कि किसमें क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और दोस्तों उसके बाद एक एक करके वो सभी सब डोमेन्स को स्कैन करके उनके वल्नरेबिलिटीज को खोजना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उनको वल्नरेबिलिटी मिलती है किसी भी सब डोमेन में तो वो एक एक करके पूरे वेबसाइट को हैक कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी हैकर वेबसाइट के सब डोमेन्स को फाइंड करके उनकी वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे यूज ले सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि कोई भी ब्लैक हैट हैकर इसके वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करें, सबसे पहले आपको अगर वल्नरेबिलिटीज मिलती है किसी भी सब डोमेन या वेबसाइट में तो आपको तुरंत ही उस वेबसाइट को रिपोर्ट करना चाहिए कि आपका आपके वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है और आपको इसे जल्दी भी फिक्स करना चाहिए। और आप ये करके आप उस वेबसाइट की कंपनी को भी बचा सकते हैं अगर वो वेबसाइट कंपनी से बिलोंग करती है, और आप वेबसाइट को हैक होने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं और ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर से जाके सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड।